नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट एंड स्पोर्ट्स। पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड की बैटिंग अभी तक संघर्ष करती दिखी है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ चिन्नस्वामी स्टेडियम में तो उसकी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ गई और पूरी टीम सिर्फ 34 ओवर में 156 रन पर सिमट गई। टीम के बल्लेबाजों के खराब शॉट के अलावा लापरवाही भी इस हालत के लिए जिम्मेदार रही। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप 2023 लगातार खराब साबित होता जा रहा है। अपने खिताब के बचाव के लिए उत्तरी इंग्लैंड की शुरुआत ही खराब रही, लेकिन अब तो यह टीम मुकाबला करती भी नहीं दिख रही है। खास तौर पर इसके विस्फोटक बैटिंग लाइनअप ही सबसे ज्यादा शर्म का कारण बनी है। श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो वाले मैच में जॉस बटलर की टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई। टीम की स्थिति यह है कि सिर्फ गलत शॉट ही नहीं बल्कि लापरवाही के कारण भी विकेट गंवा दिए। आदिल रशीद का रन आउट इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल साबित हुआ। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुरुवार 26 अक्टूबर को इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला हुआ। बल्लेबाजों की मददगार पिच के लिए मशहूर चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग ही की और यही उम्मीद थी कि श्रीलंका की कमजोर दिख रही बॉलिंग के सामने इंग्लिश बल्लेबाज विस्फोटक खेल दिखाएंगे। हुआ उसका एकदम उल्टा और पूरी टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की बैटिंग इस टूर्नामेंट और खास तौर पर इस मैच में कितनी खराब थी उसकी झलक आदिल राशिद के विकेट में दिखी। जिस तरह से रशीद आउट हुए उसकी उम्मीद किसी भी खिलाड़ी से नहीं की जाती, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज। 32 ओवर में स्पिनर महेश दीक्षणा की गेंद लेग साइड पर वाइड थी जिस कप्तान विकेट कीपर कुसल मेंडिस ने पकड़ लिया। इस दौरान रशीद नॉन स्ट्राइक पर एंड पर थे, अब वो क्रीज से बाहर आ चुके थे और फिर वापस लौट रहे थे। बस यही पर रशीद लापरवाही कर बैठे और सुस्ती दिखाते हुए बेहद धीरे धीरे क्रीज पर वापस लौटे। मेंडिस ने मौका देखते हुए तुरंत अपने दाएं हाथ का ग्लव्स उतारा और एक तेज थ्रो स्टंप पे और मारा। उनका थ्रो एकदम सटीक निशाने पर लगा और इससे पहले कि रशीद कुछ तेजी दिखा पाते गेंद स्टंप पर लग चुकी थी और वो रन आउट हो गए थे। वैसे तो इस पारी में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर ही सस्ते में निपट गया था। ऐसे में निचले क्रम में आदिल रशीद जैसे गेंदबाज से कोई बड़ी उम्मीद करना बेमानी ही होती। फिर भी टीम को उम्मीद रही होगी कि रशीद क्रीज पर कुछ देर टिक कर थोड़े रन जोड़ ले जो बाद में मुकाबले लायक स्कोर तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पूरी टीम सिर्फ 34 ओवर के अंदर निपट गई। इंग्लैंड के लिए इस पारी में सिर्फ बेन स्टोक ने ही कुछ हिम्मत दिखाई और सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। उनके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन बनाए। श्रीलंका के लिए लक्ष्य कभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रहा था, लेकिन शुरुआत उसकी भी अच्छी नहीं रही। दूसरे ही ओवर में डेविड मिली ने कुशल परेरा का विकेट हासिल कर लिया। वहीं छठे ओवर में फिर से विली ने कप्तान कुशल मेंडिस का विकेट भी झटक लिया। कप्तानी संभालने के बाद से ही मेंडिस के बल्ले से रन बनाना बंद हो गए। सिर्फ 23 रन पर दो विकेट गिरने के बाद लगा था कि इंग्लैंड कुछ कमाल कर सकता है या श्रीलंका के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पथुम निशंका और फॉर्म में चल रहे सदीरा समर विक्रमा ने इंग्लैंड की वापसी की सारी उम्मीद को खत्म कर दिया। दोनों ने तेजी से बैटिंग की और अपने हाफ सेंचुरी पूरे किए। फिर 26वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर पथुम निशंका ने बेहतरीन छक्का जमाकर टीम को 8 विकेट से यादगार जीत दिलाई। इस तरह श्रीलंका ने अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा जबकि इंग्लैंड के लिए आगे बढ़ने के दरवाजे लगभग बंद ही हो चुके हैं। और भी स्पोर्ट्स जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।